नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आपने अक्सर अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, पेट खुश तो सब खुश। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सही है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा काम कर रहा होगा, अगर आपका पाचन तंत्र एकदम चुस्त दुरुस्त होगा, तो आप जो भी खाना खाएंगे उसका पूरा पूरा पोषण, उसका पूरा पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा। कई दफा ये होता है कि हम बहुत कुछ अच्छा खाते हैं, इसके बावजूद हमारे शरीर को लगता ही नहीं, उसका फायदा नहीं मिल रहा होता। आप अपने आसपास बहुत सारे दुबले पतले लोगों को देखेंगे और वो ये कहते हैं कि हमने तो घी भी खाया, हमने तो हेल्दी खाना खाया, हमने पराठे खाए, हमने दूध खाया, हमने दही लिया, इसके बावजूद हमारी हेल्थ नहीं बन रही। इसका मतलब ये कि वो खाना सब कुछ खा रहे हैं लेकिन उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उनका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी खाना खा रहे हैं ना, उसका पूरा पोषण उनके शरीर को नहीं मिल पा रहा है। या फिर आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो ओवरवेट है, मोटे हो गए हैं, और अक्सर लोगों के ताने सुनते हैं, अरे तुम तो धरती पर बोझ हो। या फिर वो ताने सुनते हैं, अरे यहाँ मत बैठना, इसको तो बैठने के लिए दो लोगों की सीट चाहिए होगी। चलने फिरने में उन्हें दिक्कत आने लगती है, बॉडी शेमिंग होने लग जाती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो खाना नहीं खाते हैं, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ खाया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। हम तो केवल एक दो रोटी खाते हैं, हम तो कटोरी भर दाल भी पीते हैं, हमें तो पानी भी घी बनकर लग जाता है। तो बहुत सारे बीमारियां शरीर में हो सकती हैं जिनकी वजह से वजन बढ़ रहा है, लेकिन उसका रूट कॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है। जब खाना ढंग से पचता नहीं है, जब आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता नहीं है, तब ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज इन्हीं समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना है। आज हम बात करने वाले हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अच्छा बनाएं, और इसके लिए करने होंगे कुछ योगाभ्यास। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं योगासनों की, योगाभ्यासों की। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं योग मुद्रासन। इसमें आपको करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा वजनी हैं और आपसे इस तरीके से पद्मासन में नहीं बैठा जा रहा है, यू पद्मासन में बैठना है। एक बार फिर से तरीका बताती हूँ। आपका जो दायां पैर है वो पहले इस तरीके से ऊपर आया और फिर बायां पांव इसके ऊपर आ गया, तो आपका दायां नीचे हुआ, बायां ऊपर हुआ, और इस मुद्रा को हम कहते हैं पद्मासन। पद्म यानी कमल का फूल। तो पद्मासन की मुद्रा में बैठना है और करना है योग मुद्रासन। और अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो फिर क्या करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आप ऐसे पद्मासन में बैठें, और दो तरीके से योग मुद्रासन किए जा सकते हैं, जिससे आपके इंटेस्टाइन, स्प्लीन, इन सभी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हें एनर्जाइज कर सकते हैं, आपका पाचन तंत्र मजबूत बना सकते हैं। करना क्या है, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को मुट्ठी के शेप में बांधें, अंगूठे अंदर, दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बनाएं, ऐसे जोड़ें, और जो आपकी नाभि है, आपकी नेवल है, ठीक उसके दाएं और बाएं अपने इन मुट्ठियों को प्लेस कर दें, ऐसे रख दें। और फिर आपको सांस क्या करनी है, एक बार अच्छे से सांस ले, फिर बाहर छोड़ दें और फिर नीचे की तरफ झुकें, कुछ इस तरीके से। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठे। इसे करने का एक तरीका यह भी है कि जब आप योग मुद्रासन में नीचे की तरफ जाएं तो उस वक्त आप कपालभाति कर सकते हैं। अब कपालभाति क्या है ये मैं आगे आपको समझाऊंगी, लेकिन तरीका एक बार फिर से आपको सिखा देती हूँ, आप अच्छे से समझ जाएं। मैं थोड़ा सा अपनी पोजिशन चेंज कर लेती हूँ, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपने अपने दाएँ पैर को बाएँ पैर के ऊपर लिया, अपने बाएँ पैर को दाएँ पैर के ऊपर रखा, आप पद्मासन की मुद्रा में बैठे, आपने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बांधी, और फिर सांस को बाहर छोड़कर अपने दोनों हाथों को आपको अपने नेवल पर प्रेस करना है। आपने पेट अंदर खींचा, धीरे 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 आप आराम से नीचे की तरफ झुके,
इस तरह से। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं और आपसे पूरा नीचे नहीं झुका जा रहा, आप कोशिश कर रहे हैं तब भी आप अपनी चिन को ज़मीन पर नहीं टच कर पा रहे हैं तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप झुक सकते हैं उतना आप झुकें। एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हाथों की मुट्ठियाँ बांधी आपने, सांस को बाहर छोड़ा और फिर नीचे की तरफ झुक गए। इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकें, इतना ही आपसे झुका जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना झुकें। जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें। आप कोशिश करें कि जब भी आप ये आसन करते हैं उस वक्त आप कम से कम एक मिनट तक, जब आप अपनी मुद्रा में चले जाते हैं, जब आप नीचे झुक जाते हैं, तो कम से कम एक मिनट तक आप उसी पोज को सस्टेन करने के लिए प्रयास करें। अगर नहीं हो पा रहा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 सेकंड से शुरू कर लें, फिर 30 सेकंड पर लेकर आएँ और धीरे धीरे एक मिनट तक अगर आप करते हैं तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलता है। और उस वक्त जब आप नीचे झुक जाते हैं अपनी ब्रीदिंग पैटर्न कंसिस्टेंट रखें, यानी धीरे धीरे सांस भरते रहें, धीरे धीरे सांस छोड़ते रहें। अब इसी आसन को करने का एक दूसरा तरीका है, योग मुद्रासन का दूसरा तरीका यही है। बैठना आपको ऐसे ही पद्मासन में है और अब आपको अपने हाथों को मुट्ठी में नहीं बांधना है बल्कि अपने पंजों को खोल के रखना है। आपके पाम्स ओपन है। आपने पहले अपना बायां हाथ रखा, उसके ऊपर आपको दायां हाथ रखना है और सांस ठीक उसी तरीके से पहले एक बार भर लें और फिर बाहर छोड़ें, और छोड़ने के बाद पेट को अंदर की तरफ खींचें और नीचे झुकें। इस तरीके से एक बार मैं और करके दिखा देती हूँ। आप ऐसे पद्मासन में बैठे हुए हैं, याद रखें आप सुखासन में भी इसे कर सकते हैं। मैं सुखासन में भी करके दिखा देती हूँ। सुखासन मतलब जैसे आप ज़मीन पर बैठते हैं पलथी मार के बैठना, उसी को कहते हैं सुखासन। आप सुखासन में बैठ जाइए अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है, और फिर हाथों को बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर, पहले सांस अंदर लें और उसके बाद फिर बाहर की तरफ छोड़ें, पेट को अंदर खींचें। बहुत ही आसान है करना, आप इसे करके देखें, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगला योग अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बैठना है वज्रासन में। वज्रासन अपने आप में ही एक योग अभ्यास है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, यानी कि वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। मैं अगर अपने घर की बात बताऊं तो मेरे दादाजी, मेरे पापा, आज भी उनके हैबिट में ये शामिल है कि वो खाना खाने के बाद इस तरीके से बैठते हैं। खैर दादाजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन वो खाना खाने के बाद इस तरीके से कम
10 मिनट तक बैठते थे उससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और जब आपकी बॉडी का वजन, आपके शरीर का वजन आपकी पिंडलियों पर पड़ता है, तब अपने आप ही आपकी जो पाचन तंत्र है, आपका पाचन तंत्र वो एक्टिव हो जाता है। अगर गैस वगैरह की परेशानी भी होती है तो वो भी धीरे धीरे रिलीव होती जाती है। स्टमक पेन अगर आपको अक्सर रहता है तो ये भी दूर होता है। तो इन टोटालिटी वज्रासन अपने आप में भी बहुत कारगर है। अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं, आपसे बहुत ज़्यादा योगाभ्यास नहीं होता, लेकिन हाँ आप वज्रासन में बैठ सकते हैं क्योंकि आपके घुटने आपके साथ दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद आप कुछ इस तरीके से 5-10 मिनट वज्रासन में बैठ सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देगा। लेकिन बात मैं कर रही हूँ वज्रासन की नहीं बल्कि मंडूकासन की। तो मंडूकासन के लिए करना क्या है, आपको वज्रासन की मुद्रा में बैठना है, अपने दोनों हाथों को ठीक उसी तरीके से फोल्ड करना है, मुट्ठी बनानी है। ऐसे आपने मुट्ठी बनाई, दोनों को जोड़ा और फिर आपने अपनी नाभि की तरफ रखा। पहले सांस अंदर लें और फिर पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचे। तरीका वही है जो आपने इससे पहले सीखा कि योग मुद्रासन में हाथों को आपने जैसे मुट्ठियों को बांधा था, एक मिनट तक नीचे झुककर आप रहे थे और फिर अपनी सांसों की गति को सामान्य रखते हुए आप इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। और ठीक मंडूक आसन को भी आप योग मुद्रासन के दूसरे तरीके के जरिए कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बैठना है वज्रासन में, अपने दोनों हाथों को, लेफ्ट आपका हाथ नीचे होगा, दायां हाथ आपका उसके ऊपर होगा। आप पहले सांस को अंदर खींचे, फिर बाहर की तरफ छोड़े। नीचे झुक जाएं। है ना आसान वज्रासन में बैठना और पाँव को इस तरीके से दबाना, ये ऐसे भी आपको इसलिए फ़ायदा पहुंचाता है। आपने अगर अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा या आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि जब छोटे छोटे बच्चों को भी गैस रिलीफ करने में परेशानी होती है या उन्हें पेट में तकलीफ होने लगती है तो उनकी पाँव की मसाज की जाती है, उनकी पिंडलियों की मसाज यानी कि काफ मसल्स की मसाज की जाती है। तो जब आप काफ मसल्स की मसाज करते हैं तो गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपके डाइजेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो ये आप कर सकते हैं। मसाज कैसे करना है, आइए वो भी तरीका आपको सिखा देती हूँ। वैसे तो मसाज अगर कोई दूसरा करे तो ज़्यादा उसका लाभ मिलता है, यानी कि अगर आपके पिता के शरीर में कोई दर्द है या फिर गैस्ट्रिक परेशानी है तो आप उन्हें मसाज दे सकते हैं। आपके घर में आपसे कोई बड़ा या आपसे कोई छोटा मौजूद है जो आपको हील कर सकता है, मतलब एकदम छोटा बच्चा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर कि वो आप उसे समझाएँ कि इस तरीके से आपके पाँव दबाएँ और वो समझ के दबा पाए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। वैसे तो हमारे घर में ऐसी परंपरा है ही, कल्चरली ये चली आ रही है, अक्सर बच्चे जो है अपने माँ बाप की कमर, कभी पीठ, कभी पाँव दबाते रहते हैं। तो उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, शिष्य गुरु के चरण दबाता है। तो खैर ये तो परंपराओं की बात होगी, लेकिन करना कैसे है, इस तरीके से आप बैठ कर, आप आराम से भी बैठ सकते हैं, कोई और अगर आपका पांव दबाता है, अगर कोई नहीं है तो अपने आप भी आप कर सकते हैं। ये जो आपकी काफ मसल्स होती है, इस काफ मसल्स को आपको दबाना है। कैसे, एक कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर से दबाते हुए नीचे तक लाएं अपनी उंगलियों को, और ये जो आपका एंकल है एंकल तक लाके उसको फिर धीरे धीरे से रोटेट करें। फिर से समझाती हूँ, ऐसे आपने दबाना शुरू किया, धीरे 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 आप नीचे तक अपने हाथों को लेकर
आए और फिर एंकल्स के पास, एंकल का ये जो निचला हिस्सा है उसे आपने मसाज दिया, ठीक इसी तरीके से दोनों पाँव में। और मैं आपको बता दूं, किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपी का फ़ायदा या किसी भी मसाज का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप उसे लगातार करते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको निकालना होगा, तभी पूरा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इस तरीके से नीचे की तरफ हाथों को लेके जाते जाएं और फिर यहाँ पे जैसे ही आपका हाथ पहुँच जाता है आपके एंकल के पास की इस एरिया को धीरे धीरे ऐसे रब करें। वैसे आप उल्टे लेट सकते हैं, आपके घर में अगर कोई है, आपका पार्टनर है, आपकी पार्टनर है या घर में बच्चे हैं तो ये काम वो आपके लिए कर देंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर दर्द से मुक्ति चाहिए और कोई नहीं है आपके पास तो आपको खुद भी अपने लिए प्रयास तो करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कपाल भाती की। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि जब आप ये आसन करते हैं यानी कि मंडूक आसन या फिर योग मुद्रासन, इसमें आप कपाल भाती कर सकते हैं। तो कपाल भाती कैसे करना है, तरीका बहुत आसान है। आप इस तरीके से या तो सुखासन में बैठ जाएं, आपको कंफर्टेबल है तो आप इस तरीके से योग मुद्रासन में बैठ जाएं, माफ़ कीजिएगा पद्मासन में बैठ जाएं। तो पद्मासन में बैठें चाहे सुखासन में बैठें, मैं आपको सुखासन में करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से बैठ जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके की मुद्रा में आप रखें अपने घुटनों के ऊपर। और अब आपको क्या करना है, अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है और तेजी से बाहर की तरफ छोड़ना है। कैसे, जब हम कपालभाति करते हैं तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो अपनी पूरी बॉडी को शेक करने लग जाएंगे या फिर अपने चेस्ट को शेक करने लगेंगे या फिर अपनी कमर को हिला कर रख देंगे। लेकिन आपने देखा बॉडी में कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, बस आपकी जो सांस है वो तेजी के साथ एक झटके के साथ बाहर जा रही है। क्यों, क्योंकि आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं और सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। वापस से देखिए, आप अपने नॉस्ट्रिल्स से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट को जितनी बार आप झटके से अंदर लेते हैं सांस को बाहर छोड़ते हैं, आपकी इंटेस्टाइन एक्टिवेट हो जाती है, आपकी स्प्लीन एक्टिवेट हो जाती है, आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है, आप खाना और बेहतर तरीके से पचा पाने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन करना कितना है, एक सेकेंड एक स्ट्रोक, ये इसका आइडियल तरीका है करने का। करने को ये कहा जाता है जो जितने विशेषज्ञ हैं योग के, योगाचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि आप तेजी से भी कर सकते हैं। तेजी से यानी लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अभी नए नए योग की शुरुआत कर रहे हैं तो दौड़ने से पहले चलना सीखें। और चलना कैसे है, धीरे धीरे एक सेकंड एक स्ट्रोक, और इन टोटल आप 60 स्ट्रोक्स कर सकते हैं यानी कि 60 सेकंड एक मिनट। तो एक मिनट का ये पूरा साइकिल है, एक मिनट तक कपाल भाति करने से आपके पाचन तंत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। किस तरीके से करना है आखिरी बार एक बार फिर से ध्यान से देखें। है ना आसान। अगर आप ये तमाम योगाभ्यास करते हैं जो कि मैंने शुरुआत में बताया, योग मुद्रासन दो तरीके से, मंडूक आसन दो तरीके से, और साथ ही साथ अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं और अगर आप कपाल भाती भी करते हैं तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बस एक एहतियात जो आपको बरतनी है कि ये तमाम आसन जो मैंने आपको सिखाए हैं, चाहे वो मंडूक आसन हो, योग मुद्रासन हो या फिर प्राणायाम की बात करें, कपाल भाति की बात करें, तो ये आपको खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद कम से कम अगर आपने अपना आफ्टरनून मील और डिनर आपने अगर लिया है, नाइट मील आपने लिया है और वो हैवी मील होती है,
तो कम से कम आपको 3 घंटे का इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि खाने को पचने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन अगर आपने स्नैक्स खाया हुआ है तो आप 1 से 1.5 घंटे का इंतजार कर सकते हैं इन आसनों को करने में। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, आपने सिर्फ जलपान किया है या फिर थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट आपने लिया है या नारियल पानी का सेवन किया है या एलोवेरा जूस या आंवला जूस अगर आप लेते हैं मॉर्निंग में, या जीरा अजवाइन का पानी पीते हैं, सौंफ का पानी पीते हैं, तो जीरा अजवाइन सौंफ का पानी भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो सुबह खाली पेट जब जीरा अजवाइन सौंफ का पानी आप पी लें और उसके थोड़ी देर के बाद ही आप ये तमाम योगाभ्यास कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या इवनिंग स्नैक के बाद ये आसन आपको नहीं करने हैं, तब आप कर सकते हैं केवल वज्रासन। आज के लिए बस इतना ही, अगली दफा फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसे ही योग टिप्स, हेल्दी टिप्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।